हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? हेलो मैम, वी आर फाइन वी आर एंड फाइन मैम, एंड अबाउट हाउ अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन। बेटा, हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक में चोल अम्पायर के बारे में पढ़ा था। एंड बेटा, हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो चोल अम्पायर है ये क्यों फेमस है। तो आज बेटा हमें इसी में एक न्यू टॉपिक डिस्कस करना है। या तो बंद हो जाएगा लैपटॉप, तुरंत से बंद होगा। बेटा, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो सभी को समझ आया था? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम, चलिए बेटा, आप सभी बताइए, जो सबसे मोस्ट पावरफुल किंग है चोल अंपायर का, कौन सा था वो? राजा फट। राजराजा फर्स्ट। वेरी गुड। चलिए बेटा, तो अब जो चोल अंपायर में जो मेन क्वालिटी है जिसकी वजह से इन्हें जाना जाता है और जिसकी वजह से हिस्ट्री में इनका नाम लिखा हुआ है, ये क्यों फेमस थे? तो बेटा, इन्होंने कोई लड़ाइयां नहीं की थी, कोई बैटल नहीं जीती थी। इन्होंने काफी स्प्लेंडेड टेम्पल्स बनवाए थे, बहुत ही शानदार मंदिर, जो बाकी किसी राजा ने नहीं बनवाए। एंड जो इनका स्कल्पचर था, जो इनकी मूर्ति कला थी, ये मूर्तियां बनाते थे तो वो काफी अट्रैक्टिव होती थी। एंड ये सबसे पहले चोल अंपायर में ही इंट्रोड्यूस हुई थी। इससे पहले आने वाले किसी भी अंपायर में ना ही इस टाइप के मंदिर बनवाए गए थे एंड ना ही इस टाइप की मूर्तियां बनवाई गई थी। ओके बेटा, यस मैम। तो अगर आपसे बेटा कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे मैंने आपको समुद्रगुप्त के बारे में बताया था कि जो समुद्रगुप्त है वो क्यों फेमस था, बेटा आप सभी को याद है? आपने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा था 6th क्लास में, तो समुद्रगुप्त किस लिए फेमस था, याद है किसी को? यस, उसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। एंड बेटा, जो चोल अंपायर है इन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने एरा में, जिस समय ये शासन कर रहे थे, उसी समय इन्होंने काफी सारे मंदिर बनवाए थे जो काफी अट्रैक्टिव थे, जैसा कोई और राजा नहीं बनवा पाए थे। ठीक है बेटा, तो अब इन्होंने कहाँ पर टेम्पल बनवाए हैं, क्या आज भी वो हमें देखने को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे? तो बेटा, ये जो टेम्पल हैं ये आज भी हैं, प्रेजेंट टाइम में हैं। अगर हम देखने जाएं तो हमें देखने को मिलेगा। एंड जब हम वहां पर देखने जाएंगे तो हमें काफी ऐसा फील होगा कि वो, मतलब जो राजा थे उस टाइम पे भी इतनी सुंदर अट्रैक्टिव सी स्कल्पचर कर पाते थे, इतना सुंदर मंदिर बना पाते थे, कितनी मेहनत की होगी उन लोगों ने। तो बेटा, ये टेम्पल कहाँ पर है? द बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गंगईकोंडा चोलापुरम, ब्यूट बाय राजा राज एंड राजेंद्र, आर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मार्वल्स। तो बेटा, ये जो टेम्पल्स है, बहुत बड़ा सा मंदिर जो कि तंजावुर में है, और इस मंदिर का नाम है गंगईकोंड चोलपुरम। इसे राजा राज ने एंड राजेंद्र ने मिलके बनवाया था। तो बेटा, इसका कुछ पार्ट राजा राज फर्स्ट ने शुरू किया था और उसके बाद इसके बेटे ने भी उस मंदिर में अपना, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसे बनाने में, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ था राजा राज के फर्स्ट टाइम पे। एंड जो बेटा ये जो मंदिर है ये काफी सुंदर है, काफी अट्रैक्टिव लगता है देखने में। अगर आप इसे आज के समय में भी देखें तो ये इतना पुराना होने के बावजूद आज भी काफी अट्रैक्टिव लगता है। ये देखिए, आपको एक पिक्चर दी है, दिख रहा है सभी को? यस मैम, यस मैम। ये टेम्पल है ये कितना अट्रैक्टिव है, इसकी वॉल्स, इसकी दीवारें, इनपे कितने सुंदर डिजाइन की गई है, वो भी आज से लगभग इतने समय पहले, लगभग 9th सेंचुरी के समय चोल शासन था, और आज से इतने समय पहले क्या इतनी सुंदर कलाकारी कोई कर सकता था? इनको देखने के बाद ही हैरानी होती है। इनमें काफी मेहनत लगी होगी ना बेटा इन्हें बनाने में? यस मैम, यस मैम। आप में से किसी का मन कर रहा है इस मंदिर को देखने जाने का या नो नहीं? मैम, नो मैम, नो मैम, किसी का मन नहीं कर रहा है इस मंदिर को देखने जाने का? कौन कौन इस मंदिर को देखना चाहता है बेटा, हैंड शो करिए। कोई भी नहीं?
चलिए कोई बात नहीं। तो बेटा ये जो टेम्पल है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत पुराना मंदिर है, ये आपको यहाँ से देखने में पुराना लग रहा है इसलिए आपका मन नहीं कर रहा होगा जाने का। बट आपको पता है ये ईंटों का, सीमेंट का, पत्थर का नहीं बनवाया गया है, ये ब्रॉन्ज से बनवाया गया है। ठीक है बेटा। एंड आज आज के टाइम पे भी इसकी पूरी दीवार काली नहीं पड़ी है, बहुत ये चमक रही है, शाइनिंग कर रही है, यानी कि इसमें कुछ तो क्वालिटी थी जो उस टाइम के जो राजा थे उन्होंने इसमें इसमें अपना कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, ये हमें इस टेम्पल को दिखने के बाद ही दिखता है। ठीक है बेटा। यस मैम। यहाँ देखिए नीचे solar temples often become the nuclei of settlement which grew around them. तो बेटा जो चोल अंपायर जो था इसके जो जितने भी मंदिर बनवाए गए थे इसका जो सेटलमेंट था वो न्यूक्लियर था, मतलब छोटा सा सेटलमेंट था यहाँ पर मंदिर के आसपास। मैम वही यहाँ बेटा आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। तो बेटा ये जो चोल अंपायर है इसका जो मंदिर था ये बहुत ही अलग जगह बनवाते थे, इस मंदिर के आसपास कोई रहता नहीं था, ना बस्ती होती थी ना फिर राजा अपने महल बनवाते थे इसके आसपास। तो इन मंदिरों में पूजा कौन करता था, इनकी सफाई कौन करता था? तो आप लोग सोच रहे होंगे बेटा आज की तरह कोई पुजारी रहता होगा जो मंदिर में रह के उसकी पूजा करता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो इस मंदिर की देखभाल कौन करता था, एक बार पढ़ते हैं हम सभी। These were centers of craft production. Temples were also endowed with the land by rulers as well by others. तो बेटा ये जो temples थे इनके आसपास craft production किया जाता था। इन मंदिर के आसपास वाले एरिया में ना ही लोग घर बनवाते थे ना ही महल बनवाते थे, व्यापार का काम करते थे। अब व्यापार इसलिए ज्यादा होता था क्योंकि ये मंदिर काफी attractive थे। जब लोग सुनते थे कि इस राजा राज ने और राजेंद्र ने मिलके बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया है तो लोग इन्हें देखने की वजह से यहाँ पर आते थे। एंड जब वो देखने आते थे तो कुछ चीजें यहाँ से खरीद के ले जाते थे, तो इसलिए यहाँ पर व्यापार किया जाता था। ठीक है बेटा। यस मैम। टेम्पल विद द लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज अदर्स। तो बेटा ये जो टेम्पल है इनकी मरम्मत या इनका रख रखाव राजा के द्वारा भी किया जाता था एंड बाकी लोग भी इसमें इंक्लूड होते थे। कौन कौन इंक्लूड होते थे? द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्क्ड एट द टेंपल एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट। तो बेटा जो भी लोग मंदिर का रख रखाव करते थे, मंदिर के आसपास से जितनी भी इनकम होती थी, जो भी मतलब मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पर व्यापार किया जाता था, जो क्राफ्ट पर्सन है वो हाथों से बनाई गई चीजों को बेचते थे। तो बेटा उन्हें जितने भी पैसे मिलते थे वो केवल मंदिर के आसपास के मेंटेनेंस पे ही खर्च हो जाता था। अब कौन कौन है बाकी, मतलब क्राफ्ट पर्सन के अलावा भी कुछ लोग थे जो यहाँ रहते थे। प्रिस्ट यानी पुजारी, गार्लैंड मेकर। बेटा गार्लैंड मेकर कौन होते हैं पता है आपको? बेटा अभिषेक कौन होता है गार्लैंड मेकर? पर्सन हु मेक्स द गार्लैंड विद द फ्लावर। यस बेटा वेरी गुड। तो एक ऐसा व्यक्ति जो फूलों की माला बनाता है भगवान के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? गार्लैंड मेकर, यानी कि माली। तो बेटा पुजारी, माली एंड कुक्स जो मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद बनवाते थे एंड जो मंदिर के आसपास जो लोग रहते थे वो खाना भी यहीं से खाते थे। एंड इनके अलावा स्वीपर होते थे, म्यूजिशियन होते थे, डांसर होते थे, ये सारे ही लोग मंदिर के आसपास रहते थे एंड ये जो भी काम करते थे इससे उनकी जिनकी भी जितनी भी इनकम होती थी सारा ही मंदिर के मेंटेनेंस पे ही खर्च कर देते थे, कोई अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करता था। तो बेटा अगर सही शब्दों में कहा जाए जैसे आज के टेम्पल होते हैं, हम लोग टेम्पल इसीलिए जाते हैं केवल कि हमें पूजा करनी होती है, लेकिन जो चोल अंपायर में जो टेम्पल था वो केवल पूजा के लिए नहीं था। अगर इसे देखिए यहाँ दिया हुआ है, इन अदर वर्ड्स अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए, टेम्पल्स वर्स नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप।
तो जो टेम्पल है वो केवल पूजा के ही लिए नहीं थे, केवल पूजा का ही स्थान नहीं था, दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। यहाँ पर बेटा बहुत सारे लोगों की हब थी, यानी व्यवसाय था, उनका आवास था। कौन कौन से बहुत जो अभी हमने पढ़ा है ना, जैसे कि पुजारी, गारमेंट मेकर, कुक्स, स्वीपर, म्यूजिशियन एंड डांसर, ये सारे ही लोग थे जो अपना व्यवसाय कर रहे थे मंदिर के आसपास, एंड इनकी इनकम भी हो जाती थी मंदिर से ही। ठीक है बेटा, तो ये सारे मंदिर के आसपास ही मिलके रहते थे। मंदिर के आसपास क्या होता था, जो प्रांगण बना होता है जिसमें परिक्रमा की जाती है, ये लोग वहीं रहते थे या फिर आसपास के एरिया में रहते थे। और इसमें साथ में रहने से, साथ में काम करने से इन लोगों के बीच में इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल अट्रैक्शन हो गया था, ये सभी आपस में इंटरैक्ट करते थे। ओके बेटा। यस मैम। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, सोलह पायर का सबसे फेमस टेंपल कौन सा है और वो किसने बनवाया है? यस काव्यांशु, आप बताइए बेटा। मैम राजा राज फर्स्ट एंड राजेंद्र। राजा राज और राजेंद्र ने। एंड बेटा टेंपल का क्या नाम है? इसका व्यंशु। मैम आवाज क्लियर नहीं हो रहा है आगे। बेटा कौन सा टेंपल बनवाया है इन्होंने? एक बार और बोलिए। यस अनुराग, बेटा आप बताइए। मैम बेटा कौन सा टेंपल है जो चोल अंपायर के राजाओं ने बनवाया है? अनुराग आपको पता है बेटा, आप बताइए। अंजापुरम गाइकोंडा चोलपुरम। तंजावुर में गंगाईकोंड चोलपुरम। एंड बेटा निशुंभ शूदनी का मंदिर किसने बनवाया था? प्राची आपको याद है बेटा, हमने कल की क्लास में पढ़ा था निशुंभ शूदनी देवी मंदिर के बारे में, तो बेटा ये वाला टेंपल किसने बनवाया था? मुस्कान आप बताइए। मैम विजयालय। विजयालय ने। बेटा पता है आपको ये सारी चीजें बोरिंग लगती हैं, हिस्ट्री पढ़ने में बोरिंग है, लेकिन अगर आप जाएं अभी इस टेंपल के आसपास तो आप देखेंगे काफी फॉरेनर हैं, ऐसे टूरिस्ट हैं जो घूमने आते हैं वहां से। एंड अगर आप कभी घूमने जाएं और उन्हें ये बता सके कि ये मंदिर किसने बनवाया है तो वो कितना खुश होंगे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि यहाँ के बच्चे बच्चे को अपनी हिस्ट्री के बारे में पता है, होगा ना ऐसा? यस मैम। तो इसलिए आप लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए ताकि आप लोगों को याद हो एंड कोई भी मिले तो आप उसे बता पाए। ठीक है बेटा। यस मैम। बेटा मैं आपको अपना अपने बारे में बताती हूँ। मैं राजस्थान गई थी, वहां पर हवा महल है, आप लोगों ने सुना है ना? यस मैम। तो वहां पर बाहर से टूरिस्ट आए थे। यस मैम। एंड उन्होंने मुझसे पूछा कि ये मंदिर किसने बनवाया है, तब मैं भी आपकी तरह छोटी थी, स्टूडेंट थी, एट्थ या नाइन्थ में थी फिलहाल। एंड अगर मुझे नहीं याद होता तो इंसल्ट हो जाती, फिर कहते कि यहाँ के बच्चे पढ़ते नहीं है, हमारे देश के बच्चे तो ज्यादा अच्छे हैं, होता ना ऐसा? यस मैम। लेकिन फिलहाल मुझे लर्न था, मैंने बता दिया तो वो खुश हो गई। एंड ऐसे ही आपको भी याद रखना है, आप किसी टेंपल में जाएं तो उसके बारे में डिटेल होनी चाहिए आपको, किसने बनवाया, कब बनवाया, क्या चीजें यूज की गई थी, सब कुछ। ओके बेटा। यस मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमने अभी चोल एम्पायर द्वारा बनाए गए मंदिर के बारे में पढ़ा था, गंगाईकोंड चोलपुरम। तो ये जो मंदिर है ये तंजावुर में है, एंड मैंने भी आपको बताया बेटा इसमें ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल किया गया है इसे बनाने में, एंड इसे राजा राज और राजेंद्र ने मिलके बनवाया था। यस मैम। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको ये बताना है कि कौन से लोग थे जो मंदिर के आसपास रहते थे एंड मंदिर के आधार पर ही उनकी जीविका चलती थी, आजीविका कमाते थे। यस बेटा बताएंगे, व्हाट आर द पर्सन?
that they lived near near the temple. मुस्कान आप बताइए. मैम क्राफ्ट पर्सन, प्रीस्ट, स्वीपर्स, म्यूजिशियंस, डांसर्स एंड गार्लैंड मेकर्स. वेरी गुड. तो बेटा ये सारे पर्सन हैं जो इन मंदिरों के आसपास रहते थे एंड मंदिरों के आसपास रहकर ही कमाते थे और जो जितनी इनकम होती थी वो सारा मंदिर के मेंटेनेंस पे ही खर्च कर देते थे. अब बेटा ये नेक्स्ट पिक्चर दिख रही है आपको, ये वाली. दिख रही है बेटा सभी को? यस मैम. किसकी है आप इमेजिन कर सकते हो? एंड बेटा उतने पुराने टाइम में भी इस टाइप की मूर्तियां बनाने वाला कोई आदमी था? कैसे बना लेता था वो इतनी सुंदर मूर्तियां? एंड अगर मिट्टी से बनाई जाए तो हम लोग इमेजिन कर भी सकते हैं क्योंकि मिट्टी से मूर्तियां बनाना आसान है, लेकिन ब्रॉन्ज के थ्रू, ये पूरी मूर्ति ब्रॉन्ज की बनाई गई है. जिसने भी बनाया, जो भी आर्टिस्ट था, उसने कितनी मेहनत की गई हो की होगी इसको बनाने के लिए. ये काफी अट्रैक्टिव दिख रही है ना? यस मैम. अब ये मूर्ति किसकी है, किसके लिए बनवाई गई है, एक बार हमें पढ़ना है. या किसी रानी, ये किसी रानी की मूर्ति है या फिर किसी देवी की मूर्ति है चोल अंपायर की? एक बार हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में. A chola bronze sculpture, notice how carefully it is decorated to find out how these images were made. See chapter 6. अब बेटा ये जो चोल ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, चोल अंपायर का ब्रॉन्ज से बनाई गई मूर्ति है एंड आप इसे देखें तो पाएंगे कि कितनी बारीकी से इसे बनाया गया है. जिस तरह आज के टाइम पे मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, सेम ऐसे ही ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाई गई है. तो ये बेटा जो मूर्ति है ये किसकी है? ये चोल अंपायर में वो जिस देवी को मानते थे उस देवी की प्रतिमा बनाई गई है यहाँ पे. ठीक है बेटा? यस मैम. एंड इसी सेम स्कल्पचर के बारे में आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है कि इसे क्यों बनाया गया है, कहाँ बनवाया गया है एंड किसने बनवाया था. ठीक है? यस मैम. तो इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे. अब आगे देखिए. Amongst the craft associated with the temples, the making of bronze image was the most distinctive. तो बेटा यहाँ पर जो क्राफ्ट किया जाता था, मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी चोल अंपायर के जो टेम्पल थे उनके आसपास क्राफ्ट पर्सन भी रहते थे. तो वो मेनली किस चीज की क्राफ्टिंग करते थे? ये टेम्पल पे तो कारीगरी करते ही थे. टेम्पल की वॉल पर इन्होंने बहुत ही सुंदर कारीगरी की है, बहुत ही सुंदर स्कल्पचर किया है. लेकिन इसके अलावा ये क्या करते थे, काफी सुंदर मूर्तियां भी बनाते थे ब्रॉन्ज से, जो कि काफी डिस्टिंक्टिव होती थी, आकर्षक होती थी, देखने में अट्रैक्टिव लगती थी. चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसीडर्ड अमॉन्ग द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड. एंड बेटा देखिए एक बात आपको और भी बताई है जो कि काफी फेमस है चोल अंपायर के बारे में. जो चोल अंपायर द्वारा बनाई गई ब्रॉन्ज की इमेज है, ये पूरी दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी की ब्रॉन्ज की मूर्तियां मानी जाती हैं. तो देखिए हम कौन सी कंट्री में रहते हैं, कितनी सुंदर यहाँ पर, कितनी सुंदर चीजें हैं, कितने महान लोग थे जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए. देखिए आपको बताया है ना कि जो चोल ब्रॉन्ज इमेजेस हैं, चोल अंपायर द्वारा बनाई गई कांस्य की मूर्तियां, वो दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी. मतलब बाकी और कोई लोग बना ही नहीं पाए इतनी सुंदर मूर्तियां. ठीक है बेटा? यस मैम. While most images were of deities, sometimes images were made of devotees as well. तो बेटा इसमें कभी कभार उन देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाती थी जिनमें लोगों की आस्था होती थी एंड कभी कभार उस जो देवी देवता जिनकी प्रतिष्ठा की जाती है उनकी मूर्तियां बनाई जाती थी. ठीक है बेटा? कभी कभार ये मूर्तियां प्रकोप से बचने के लिए की जाती थी. जब साम्राज्य में उनके अंपायर में कभी भुखमरी या फिर कोई और आपदा आ जाती थी तो वो इस टाइप की मूर्तियां बनाया करते थे कि हमारे भगवान हमसे खुश हो जाएंगे. एंड कभी कभार ये मूर्तियां मंदिरों में रखने के लिए बनाई जाती थी कि जो भी आए वो मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा कर सके. ओके बेटा?
यस मैम। तो अभी जितना पढ़ा है आपको समझ आया सभी को? यस मैम। एंड बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, यानी जो चोल अंपायर है ये लोग एग्रीकल्चर करना भी जानते थे, कृषि भी जानते थे एंड नई मॉडर्न तकनीके से सिंचाई करना भी जानते थे। तो ये कैसे इरिगेशन करते थे, कौन सी फसल उगाते थे, ये बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके यस मैम। तो आज अभी जितना पढ़ाया बेटा सभी को समझ आया? यस मैम। चलिए बेटा अब आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, जो फिलहाल इस टॉपिक से नहीं है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, अलग से है। क्या आप में से कोई बेटा कोई आप में से कोई भी किसी टाइप का हिस्टोरिकल टेंपल देखने गया है कोई? नहीं गए हैं आप लोग? कोई भी नहीं गया बेटा, यही रीजन है कि आप लोगों को हिस्ट्री बोरिंग लग रही है अभी। अगर आप टेंपल में गए होते ना, आपने वहां देखा होता कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं जो आज के टाइम के आर्टिस्ट तो बना ही नहीं पाते। इन मंदिरों को देखने जब हम जाएं, उनके अंदर इतनी सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव चीजें हैं जो कहीं और देखने को ही नहीं मिलती, वहां से आने का मन ही नहीं करता, इतनी सुंदर लगती है वो। बेटा आप में से कोई ताजमहल गया है? नहीं गए? चलिए आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप कहीं घूमते नहीं हैं। तो बेटा आज जितना पढ़ाया सभी को समझ आया? यस मैम। चलिए फिलहाल मैं नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। चलिए फर्स्ट बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आज के लिए, वो वाज मोहम्मद गौरी। किस किस को इसका आंसर आता है, शो मी योर हैंड। वो वाज मोहम्मद गौरी एंड वेयर डिड ही कैम फ्रॉम? यस मुस्कान आप बताइए बेटा। मैम मोहम्मद गौरी वाज केम फ्रॉम अफगानिस्तान। यस वेरी गुड। अभिषेक आप बताइए बेटा, मोहम्मद गौरी कौन था? वो वाज मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी गौरी वाज द स्टूडेंट हु केम फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड ही वाज हेल्प द मोस्ट ऑफ द इंडियन टेंपल्स एंड ही आल्सो हेल्प द बिगेस्ट टेंपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द इंडिया। चलिए बेटा वेरी गुड। फिलहाल आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ रहा है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, उत्कर्ष आप बताइए बेटा, मोहम्मद गौरी ने भारत में कौन से राजा को हराया था सबसे पहले? महिमा आप बताइए बेटा। मोहम्मद गौरी ने भारत में पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान वेरी गुड। उत्कर्ष आप पढ़ते नहीं है? यस प्राची बेटा आप बताएंगे, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कौन सी बैटल में हराया था, उन दोनों के बीच में कौन सी बैटल हुई थी? मैम तराइन का। तराइन की वेरी गुड। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुराग आप बताएंगे बेटा, जो मोहम्मद गौरी है वो एक इन्वेडर था और वो भारत में इन्वेडेड करने आया था, तो उसने सबसे पहले कौन से मंदिर पर इन्वेजन किया था? यस अनुराग। यस अनुराग बोलिए बेटा। मैम क्वेश्चन दोबारा पूछिए।
बेटा मैंने आपसे पूछा है कि जो मोहम्मद गौरी है वो एक इन्वेडर था, एक आक्रमणकारी था, और भारत में वो आक्रमण करने ही आया था, तो उसने यहाँ के सबसे पहले कौन से मंदिर पे इन्वेडिंग किया था, कौन से मंदिर पे अटैक किया था सबसे पहले? सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है? गुजरात में। वेरी गुड। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। मोहम्मद गौरी जो है उसने यहाँ के बहुत से राजाओं को हराया था, एंड वो चाहता था कि मैं उन सभी राजाओं के बारे में लिखवाऊं, तो उसने कौन से बुक में और किसके थ्रू ये सारी चीजें लिखवाई थी, नोट डाउन कराई थी? यस अभिषेक। प्रांची आप बताइए बेटा कौन सी बुक थी जिसमें मोहम्मद गौरी ने अपने बारे में लिखवाया था, अपने इन्वेडर के बारे में, उसने जिस उसने जितने भी आक्रमण किए उसके बारे में लिखवाया था, बुक का नाम याद है आपको? अल बिरूनी। बेटा अल बिरूनी तो राइटर है, लेखक था जिसने मोहम्मद गौरी के बारे में लिखा था, लेकिन एक बुक है जिसमें मोहम्मद गौरी के सारे अभियान के बारे में लिखा हुआ है, तो उस बुक का क्या नाम है? महिमा आपको याद है बेटा? यस मैम। यस क्या नाम है बुक का? किताब अल हिंद। वेरी गुड। एंड बेटा ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? मैम अरबी। अरबी में। एंड बाद में इसे संस्कृत में भी ट्रांसलेट किया गया था? यस मैम। चलिए बेटा वेरी गुड। अब बेटा एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं, इसका आंसर कौन देगा? उत्कर्ष डिस्कनेक्ट हो गए। यस प्रांची आप बताइए बेटा, अगर आपको मोहम्मद गौरी से, अगर आप सपोज दैट आप पृथ्वीराज चौहान होते, आपको मोहम्मद गौरी से बदला लेने का मौका मिलता, तो आप क्या करते, कैसे अटैक करते उस पे? मैं सामने से वार करते। लेकिन वो तो धोखेबाज था, वो तो वेट नहीं करता ना आप सामने से अटैक करोगे। मुस्कान आप बताइए बेटा आप कैसे बदला लेते उससे? मैम बाय गिविंग हिम डिसीव। वेरी गुड। चलिए अभिषेक आप बताइए बेटा, अगर आप पृथ्वीराज चौहान की जगह होते तो क्या आप बार बार मोहम्मद गौरी को माफ कर देते? चलिए वेरी गुड। यानी हमारे हमारे देश के बच्चों में अब राम वाली भावना नहीं रही, वो किसी को माफ नहीं करेंगे। चलिए बेटा मोहम्मद गौरी ने एक काम और किया था जिसकी वजह से हम उसे जानते हैं, याद है आप सभी को उसने क्या किया था ऐसा? जस प्राची आप बताइए बेटा क्यों जानते हैं हम उसे? मैम उसने धर्म की स्थापना की थी। यस वेरी गुड। वो सबसे पहला ऐसा व्यक्ति था जो भारत में मुस्लिम धर्म को लेके आया था, उसके आने से पहले मुस्लिम धर्म को कोई नहीं जानता था, एंड जब वो यहाँ पर आ गया, जब उसने राजाओं को हरा दिया, तो यहाँ के लोगों को जबरदस्ती मुस्लिम बनवाता था। चलिए बेटा तो ये समझ आ गया आप सभी को? यस मैम। यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस बेटा।
चलिए आकृति आप बताइए बेटा, हमने ट्रिपली स्ट्रगल पढ़ा था, ट्री पार्टी स्ट्रगल, इसमें कौन कौन से तीन वंश थे जो इंक्लूड थे? ट्री पार्टी स्ट्रगल में कौन सी तीन पार्टियां थी, कौन सी तीन पार्टियों के बीच में लड़ाई हो रही थी? महिमा आप बताइए बेटा। मैं गुजर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टीज। वेरी गुड। यस प्राची आप बताइए बेटा, फाइनली किस कौन किसकी जीत हुई थी, किसको विक्ट्री मिली थी एंड में? मैम गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहार को। वेरी गुड। एंड बेटा हमने जब चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तो एक ऐसे राजा के बारे में पढ़ा था जो अपने आप को शेर मानता था, एंड उसका स्कल्पचर उसकी मूर्ति भी दी हुई है कहीं पर, याद है आपको कौन सा राजा था वो? यस मैम। यस मुस्कान आप बताइए कौन सा राजा था वो? मैम दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग। वेरी गुड। एंड बेटा उसकी जो स्कल्पचर है उसकी मूर्ति कहाँ पर मिलती है हमें, कौन से प्लेस पे? मैम इन एलोरा केव। यस वेरी गुड। एलोरा केव में, एलोरा की गुफाओं में। चलिए बेटा अब आज का फिलहाल सेशन इतना ही है, अब हम फिलहाल पूरा पहले वाला भी रिवाइज कर चुके हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि जो चोल अंपायर था वो खेती किस तरह करते थे, क्या हम लोगों को इतने करते थे, क्या वो भी पैलों से जुताई करते थे या ट्रैक्टर तो थे नहीं, वो मॉडर्न तो थे नहीं आज के टाइम की तरह, तो वो किस तरीके से खेती करते थे, इरीगेशन किस तरीके से होता था, ये हमें अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ओके बेटा। यस मैम। एंड मैंने आपको बेटा होमवर्क सेंड किया है, आपका जो होमवर्क है आप सभी उसे नोटबुक में करके सबमिट करेंगे। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा गुड बाय एवरीवन। गुड बाय।